टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, युरु करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। गुजरात की जमीन पर पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ रैलियां, अमित शाह भी चुनाव प्रचार का बनेंगे हिस्सा। भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर मोदी सरकार ने शुरू की तैयारियां, मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं पीएम। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने श्रद्धा हत्याकांड का किया जिक्र, इंटरनेट पर हर तरह के कंटेंट तक आसानी से पहुंच को ठहराया जिम्मेदार। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले लोगों को राहुल गांधी के चेहरे में महात्मा गांधी को देखना चाहिए। कश्मीर के कुपवाड़ा में दो सगे भाइयों की घर में आग से झुलस कर मौत, तीन घरों को पहुंचा नुकसान। बेटे ने पिता की हत्या कर शव के 5 टुकड़े किए, फिर दर्ज कराए गुमशुदगी की शिकायत, तो पुलिस जांच में खुलासा। राम रहीम की जेल वापसी 25 नवंबर को, हरियाणा में पंचायत चुनाव इसी दिन खत्म होंगे। बिहार में बदलेगी मेंटेनेंस पॉलिसी, सीएम नीतीश कुमार ने कहा हर विभाग में हो अभियंताओं की भर्ती। कांग्रेस नेता चंदन ठाकुर का विवादित बयान, बोले देश को सिर्फ मुस्लिम ही बचा सकते। संजय राउत का राज्यपाल पर निशाना, बोले राहुल गांधी पर फेंके गए जूते जमा कर राजभवन भेज देना चाहिए। एमसीडी चुनाव प्रचार में लश्कर के साथ उतरेगी बीजेपी, नड्डा और राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज 14 रोड शो। जमानत याचिकाओं से भर गई हैं अदालतें, सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताया बेल देने से आखिर क्यों झिझकते हैं निचली अदालतों के जज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर का आतंकी सज्जाद तांत्रे मारा गया, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में किया ढेर। हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, मुगलों ने पूरे भारत को नहीं जीता, बोले इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत। कर्नाटक में एक ऑटो रिक्शा में विस्फोट, चालक और एक यात्री घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीस घंटे बाद नहीं हुई युवती के शव की शिनाख्त, मथुरा में ट्रॉली बैग में बंद मिली थी 22 साल की लड़की की लाश। कुख्यात गोकश दिलदार मुठभेड़ में अरेस्ट, मेरठ के भगवानपुर में गोकशी की बड़ी प्लानिंग थी, साथी फरार। आजम खां की तरह इरफान पर भी कस रहा सिकंजा, मेडिकल कॉलेज कांड के सभी मुकदमों को खोलने की तैयारी। प्रेमिका और पत्नी के गम में युवकों ने किया सुसाइड, मेरठ में दो परिवारों के बुझे चिराग, एक ने लगाई फांसी, दूसरे ने जहर खाकर खोई जिंदगी।
बहन भाई और माँ करवाना चाहती हैं गलत काम, युवती ने वीडियो वायरल कर लगाई गुहार। कानपुर देहात में फौजी ने युवती से किया रेप, पीड़िता बोली शादी का झांसा देकर 4 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण। कौशाम्बी के नए ट्रामा सेंटर की दीवारों पर दरार, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने हाथ से उधेड़ा प्लास्ट। तमिल डेलीगेट्स के काशी प्रवास का दूसरा दिन देखने पहुंचे महाकवि भरतियार का घर, गंगा की पूजा कर उतारी आरती। सीतापुर में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा, 22 दिन बाद पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा, सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद। उन्नाव में सपा के ट्वीट पर विधायक अनिल सिंह का पलटवार, बोले सपाइयों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग अटैक की 2 घटनाएं, घर के बाहर खेल रही बच्ची को नोचा, सोसाइटी के बाहर गई लड़की के पीछे दौड़े 3 कुत्ते। कुशीनगर में मनरेगा के काम में भ्रष्टाचार, मास्टर रोल में मजदूरों की संख्या अधिक दिखाकर लाखों रुपए की हो रही बंदरबांट। रमन्ना गुलजार बाग में 10 हेक्टेयर में बनेगा इको पार्क, फरुखाबाद शहर के लोगों को सौगात, शासन ने 32 लाख रुपए बजट हुआ आवंटन। बागपत पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 10 बाइक बरामद। अमेठी में अधिवक्ताओं के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त, अधिकारियों ने नोकझोंक। बाराबंकी में नगर पालिका कर्मियों की लापरवाही, 6 माह बाद भी नहीं हटाया मृत डॉक्टर का नेम प्लेट। कन्नौज में युवक की हत्या कर पेड़ पर लटकाया शव, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। श्रीजी मंदिर पर मारपीट का वीडियो वायरल, मथुरा के बरसाना में दुकानदार और रिसीवर हुई मारपीट, झगड़े में 2 घायल। प्रयागराज में आप 11 दिन में करेगी 800 कार्यकर्ता सम्मेलन, यूपी में 20 नवंबर से शुरू होगा अभियान, निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी। बलिया में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। रायबरेली में महिला की गला रेत कर हत्या, भाई ने घर के अंदर खून से लथपथ देखा शव, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद से रिटायर्ड थी महिला। बहराइच में नर्सिंग होम में हंगामा, मामले में FIR, फुटेज के आधार पर 2 नामजद और 40 अज्ञात पर मुकदमा, बच्चे की हुई थी मौत। हरदोई में चौकी इंचार्ज 6 सिपाहियों समेत 11 के खिलाफ FIR, पीड़ित को रात भर थाने में बैठाया। सुल्तानपुर में हादसा, 2 सगे भाई समेत 3 घायल, टेम्पो ने पल्सर बाइक में मारी टक्कर, अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर हुआ हादसा। चंदौली में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज, प्रशासन ने जारी किया फाइनल मतदाता सूची, चारों निकाय में 1.54 लाख वोटर।
बुलंदशहर में बहुचर्चित व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी समेत दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में तालाब में तैरता मिला युवक का शव, तालाब में तैरता देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। गोड्डा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। कानपुर में पुलिस की सांठगांठ का नया मामला आया सामने, विवादित प्लाट में पुलिस की सांठगांठ से बाउंड्री वॉल का काम हुआ शुरू। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, युवाओं के साथ लगाई दौड़, खेला बैडमिंटन। उत्तराखंड आगामी यात्रा वर्ष में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए भी चलेगी हेली शटल सेवा। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा 45 चावल, भारतीय खाद्य निगम ने शुरू किया चावल का वितरण। उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्कीर्ण 60 परीक्षार्थियों को 30 लाख की दी विशेष आर्थिक सहायता। दिल्ली में गरजेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एमसीडी चुनाव में भाजपा के पक्ष में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड की नैनीताल पहुंचे राकेश टिकैत, बोले देश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी में है किसान। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार, कहा भाजपा एकजुट और पूर्व सीएम के साथ खड़ी। उत्तराखंड में जान पर भारी रफ्तार का जुनून, पड़ नहीं रहा कानून, ओवर स्पीड के 78% दुर्घटना। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी मसूरी में मंगशीर बगवाल की धूम, 5 दिनों तक मनाया जाता है पर्व। उत्तराखंड के हरिद्वार में पति की हत्या में पत्नी को प्रेमी संग आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड के देहरादून में 21,79,000 रुपए ना चुकाने पर पिता पुत्र के विरुद्ध मुकदमा, कंपनी से शराब लेकर नहीं चुकाया ब्याज। उत्तराखंड के जहर खुरानी में फरार 10,000 का इनामी गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद की महिला को बनाया था शिकार। इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 2 महिलाओं को कराया गया मुक्त, मालिक मौके से फरार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र मामले में एसएलपी वापस का निर्णय निरस्त, गृह विभाग के सुप्रीम कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता को भेजा पत्र। उत्तराखंड पौड़ का राकुमा विद्यालय कैंथोली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। अमेरिका में सिख स्टूडेंट कॉलेज में पहन सकेंगे कृपाण, यूएस यूनिवर्सिटी ने बदली पॉलिसी।
भारत विरोधी मलेशियाई नेता महातिर मोहम्मद की 53 साल में पहली चुनावी हार, जाकिर नाइक को दी थी शरण। यूक्रेन का दावा, गोलाबारी में मारे गए 60 रूसी सैनिक, एक सप्ताह में दूसरी बार पहुंचा नुकसान। ब्रिटिश पीएम सुनक बोले, महिला सुरक्षा प्राथमिक मुद्दा, बेटियों से मिली सड़कों को सुरक्षित बनाने की प्रेरणा। सेना प्रमुख जनरल बाजवा के उत्तराधिकारी पर पाकिस्तान में रार गठबंधन सरकार में बड़ा मतभेद। डोनाल्ड ट्रंप पर मेहरबान हुए एलन मस्क, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट किया बहाल। इराक और सीरिया पर तुर्की की एयर स्ट्राइक, आतंकवादी ठिकानों पर बम बरसाए, इस्तांबुल में हुए हमले का बदला लिया। इराक में 10 महीने बाद आतंकी हमला, 4 सैनिकों की मौत, किरकुक शहर के पास स्थित चेक पॉइंट को बनाया निशाना। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक यूक्रेन पहुंचे, 50 मिलियन पाउंड के रक्षा पैकेज का ऐलान किया, कहा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चीन की पनडुब्बियां अब JL-3 ICBM के साथ करेंगी गश्त, घर बैठे अमेरिका पर हमला कर सकता है ड्रैगन। पीएनबी एटीएम कार्ड से कर सकेंगे ज्यादा विड्रॉल, सेलेक्टेड कार्ड के लिए एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट 1.5 लाख करेगा बैंक। फीफा 2022 का एलन मस्क का बड़ा ऐलान, मस्क बोले बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री होगी। एफटीएक्स ने टॉप ऑफिशियल्स को निकाला, भारतीय मूल के निषाद समेत को फाउंडर गौरी वांग को बाहर किया गया। सरकार क्रिप्टो नीति लाने की तैयारी में, क्रिप्टो की तबाही से भारत अलर्ट, बजट में बड़ी घोषणा संभव। चीन से अपना व्यवसाय हटाने जा रही है क्रेडिट रेटिंग फर्म मूडीज, कर्मचारियों को भी होगी छटनी। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने पासपोर्ट के लिए भारतीयों का फोटो लेने से किया मना, साइन बोर्ड पर भड़के लोग। एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, 23,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला। गौतम अडानी का बड़ा बयान, बोले वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जोमैटो ने किया करीब 3% कर्मचारियों की छटनी करने का ऐलान, छटनियां कंपनी के सभी विभागों में होगी। अमेजॉन के जेफ बेजोस ने मंदी की आशंका को लेकर दी चेतावनी, कहा टीवी फ्रिज खरीदना बंद करो। रोनाल्डो से करार तोड़ सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के खिलाफ, स्टार खिलाड़ी ने विवादित बयान दिया था। कतर और इक्वाडोर की भिड़ंत के साथ होगा फीफा वर्ल्ड कप का आगाज, मैच के पहले होगी धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी।
मेरा डेब्यू तुमसे भी खराब था जब महेंद्र सिंह धोनी ने निराश शुभमन गिल की हौसला अफजाई की। फीफा रैंकिंग में 106वें स्थान पर काबिज है भारतीय फुटबॉल टीम, विश्व कप का सपना अभी दूर की कौड़ी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने शेयर किया हॉट फोटो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के 6 बड़े दावेदार देश ब्राजील, अर्जेंटीना टॉप पर, मेसी और नेमार पर रहेगी सबकी नजरें। फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले 5 बड़े खिलाड़ी चोटिल, सदियो माने के बाद फ्रांस के करीम बेंजेमा टूर्नामेंट से हटे। ऑस्ट्रेलिया की डबल वर्ल्ड चैंपियन पर लगातार दूसरी जीत, इंग्लैंड को 72 रनों से हराया, स्टार्क ने छटके 4 विकेट। मणिका बन्ना ने रचा इतिहास, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया फिल्म फेयर अवार्ड, बोली थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझ पर इन्वेस्ट करने के लिए। सुनील शेट्टी ने मेहुल के नोटिस को बताया फनी, कहा जो पब्लिक डोमेन है उसी पर बना रहे फिल्म। तबस्सुम के निधन पर सेलिब्रिटीज ने किया रिएक्ट, अरुण गोविल बोले उनकी इच्छा थी कि मौत की खबर को 2 दिनों तक किसी को ना बताई जाए। फिल्म फेयर अवार्ड में गोविंदा ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस, डांस देख झूम उठे कई सेलेब्स। आमिर की बेटी की सगाई में पहुंचे इमरान खान, फॉर्मल लुक में दिखे हैंडसम एक्टर को देख फैंस बोले फिल्मों में वापस आ जाएं। फैंस को धक्का देने वाले बॉडीगार्ड पर भड़की शहनाज गिल, कहा क्या प्रॉब्लम क्या है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं। एक्ट्रेस तबस्सुम का 78 साल की उम्र में निधन, बेटे से कहा था अंतिम संस्कार के बाद मौत की खबर दें। प्रसून जोशी ने बॉलीवुड को आड़े हाथों लिया, कहा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपनी जड़ों को भूल गए हैं। बेटे जेह के साथ स्पॉट हुई करीना कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर, शरद केलकर, अपार शक्ति खुराना के अलावा दिखे कई सेलेब्स। विकी कौशल ने की कैटरीना की तारीफ, मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए कहा वो एक चलती फिरती डॉक्टर हैं। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।